नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ज्योतिष के इन पांच उपायों को करने पर कभी नहीं लगती आपकी खुशियों को बुरी नजर। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन के इस आपाधापी में कई बार आपकी खुशियों को कब किसी की नजर लग जाती है पता ही नहीं चलता है। ज्योतिष के अनुसार बुरी नजर या फिर कहें नजर दोष एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जिसके आपके घरांगन या कार्यस्थल पर प्रवेश करते ही तमाम तरह की अनचाही दिक्कतों और दुर्भाग्य का आना शुरू हो जाता है। जब कभी भी आपका चलता फिरता कारोबार ठप्प पड़ जाए या फिर हंसता खेलता बच्चा गुमसुम हो जाए या फिर आपको अचानक से तमाम तरह के नुकसान होने लगे तो आपको बुरी नजर से बचाने वाले ज्योतिष उपाय जरूर करना चाहिए। आइए ज्योतिष के उन सरल और अचूक उपायों के बारे में विस्तार से जानते हैं जिन्हें करते ही बुरी नजर का खतरा टल जाता है और जीवन में सुख सौभाग्य आता है। यदि आपको लगता है कि आपके मकान को अक्सर किसी की बुरी नजर लग जाती है या फिर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो गया है तो आप उससे बचने के लिए अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति या फोटो लगाएं। गणपति की उस मूर्ति या फोटो को प्रतिदिन धूप दीप भी दिखाते रहें। यदि आपको अपने घर परिवार या आस पड़ोस में रहने वाले किसी पुरुष या महिला से अपने बच्चों को बुरी नजर लगने का खतरा बना रहता है या फिर आपको बुरी नजर लग गई है तो आप उसी महिला या पुरुष से अपने बच्चे के सिर पर हाथ फेरवा दें। ध्यान रहे कि पुरुष को सिर पर दायां हाथ फेरने के लिए और महिला को बायां हाथ फेरने को कहें। किसी भी तरह की बुरी बला या नकारात्मक ऊर्जा के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हनुमत साधना अत्यंत ही फलदायी मानी गई है। ऐसे में यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे या घर के किसी सदस्य को किसी की बुरी नजर लग गई है तो आप उसे दूर करने के लिए किसी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के बाएं कंधे का सिंदूर लेकर उसके माथे पर तिलक लगा दें। इस उपाय को करने पर बुरी नजर का दुष्प्रभाव शीघ्र ही दूर हो जाएगा। जब कभी भी आपको लगे कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो गया है या फिर कहीं घर भारी भारी सा लगने लगा है तो आप उसे दूर करने के लिए अत्यंत ही शुभ मानी जाने वाली हल्दी को पानी में मिलाकर अपने घर के चारों कोनों में छिड़के। इसके बाद जितना भी हल्दी का पानी बचे उसे घर के प्रवेश द्वार पर ले जाकर डाल दें। हल्दी के इस उपाय से नकारात्मक ऊर्जा दुख और दुर्भाग्य दूर होगा और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। हल्दी के पानी की तरह पवित्र गंगाजल का छिड़काव भी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके शुभता और सौभाग्य प्रदान करता है। यदि आपको लगता है कि आपकी सुख समृद्धि को किसी की बुरी नजर लग गई है और घर या कारोबार में पैसे का आगमन बंद हो गया है या फिर आपके पास लाख कोशिशों के बाद भी पैसा नहीं टिक रहा है तो आप शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की को पीली कौड़ी चढ़ाकर उनकी पूजा करें। यदि पीली कौड़ी न मिले तो आप सफेद कौड़ी को केसर से रंग लें और पूजा के बाद उसे प्रसाद स्वरूप अपने धन स्थान पर रखें या फिर गले में लॉकेट के रूप में धारण करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।